शिवपुरा आपका द अर्थ न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ डिप्टी सीएम श्री कविंदर गुप्ता जी जुड़े हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि जो बॉर्डर में जो भी लोग वापस रिहैबिलिटेट होने हैं उसमें सरकार का क्या रोल रहेगा रिहैबिलिटेट करने में उनको वापस से। सर स्वागत है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही इस बात के लिए चिंतित है कि बॉर्डर के लोगों को किस प्रकार से बचाया जाए। उसके लिए 415 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया गया है। पहले वो NBCC ने उस काम को डिले किया, लेकिन स्टेट में PWD के माध्यम से लोगों के घरों में बंकर बन रहे हैं और ऐसे कॉमन कम्युनिटी सेंटर हम बना रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उसमें लोग जल्द से आकर पर हम फंसे, उसके लिए सरकार कार्यरत है। दूसरा सर, हम आपसे पूछेंगे जो अभी हम जम्मू के लोग जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पावर को लेकर, इतनी गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं हो रही और पीछे 1000 मेगावाट का कट भी सेंट्रल ग्रिड से लग गया है हमारी स्टेट के लिए, उसके बारे में सर आप क्या मैसेज देंगे लोगों को और डिपार्टमेंट को? ऐसा है कि जून मई का महीना अक्सर गर्मी का महीना रहता है, लेकिन जब से हम आए हैं पहले यहाँ पर 4-4, 5-5 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगता था, सेम डे ट्रांसफार्मर लगता है और ये अधिकारियों को भी डायरेक्शन दी गई है। मैं लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं कई बार दिन में निकलता हूँ तो 100-100 वाट के बल्ब जल रहे होते हैं, तो उन बल्बों को मत जगाइए। आज वो LED का ज़माना है, एक तो ये, दूसरा बिजली को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए पूरा सहयोग सरकार का कीजिए और हमारी ये कोशिश रहती है कि शेड्यूल कट नहीं हो। उसके लिए ये कल भी मैंने यहाँ के हमारे जो बिजली मंत्री हैं उनको कहा था कि एक हफ्ता जा करके आप जम्मू में बैठिए, उसका संज्ञान लीजिए, मुझे लगता है कि स्थिति बेहतर होगी। सर कल हमने 2-3 जगह पे कवर किया था पावर इशू को लेके, एक जानीपुर और रूपनगर एरिया में किया था, सिटी में भी किया था, वहाँ के लोगों को काफ़ी रोष था क्योंकि पिछले रात भी पूरा रात लाइट बंद रही है और कल पूरा दिन भी लाइट जो है वहाँ पे डालम डोली करती रही है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसा है कि जितना हम लोड डिक्लेयर करते हैं उतना ही यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी उन चीज़ों की परेशानी हमें आती है और मैंने ये भी कहा है कि जो कुंडी सिस्टम जो दूसरा सिस्टम है उसको ज़्यादा हवा ना दी जाए, उसको ख़त्म किया जाए। सरकार की तरफ से भी हमारे अधिकारियों को भी है, एक गलती करने वाले को बाकियों को दिक्कत होती है, तो इसमें हम इसका नोटिस ले रहे हैं। सर बाहर से लोग यहाँ पे काम को लेके काफ़ी माइग्रेट होते हैं, जैसे UP से, बिहार से, और वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके वहाँ पे जो ज़्यादातर जो रोटी पकाने का जरिया होता है वो होता है हीटर और इलीगल कनेक्शंस वो जो यूज़ करते हैं, तो उसके लेके सर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, जो भी इस चीज़ में पाया जाएगा कोई अधिकारी उसको सख्त नोटिस दिया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। सर तीसरा हम आपसे पूछना चाहेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में, पिछले 120 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं स्ट्राइक में बैठे हैं जीवल में, और उनका एक रोष है हमारी लीडरशिप को लेके कि हमारा कोई पूछने नहीं आ रहा, और उनका लेटेस्ट उनका ये भी था कि सजाद लोन जो कि मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के, उनसे भी उनका जो है रابطہ हुआ था, लेकिन रादर देन गिविंग सोल्यूशन उन्होंने उनको थ्रेट किया, ये उनका कहना है। ऐसा है मैं आंगनवाड़ी के वर्कर्स के बारे में आपको कहना चाहूँगा, ये सब अपने लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भर्तियाँ टेम्प्रेरी ही होती हैं, ये केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार के नोटिस में मुझे ये चीज़ें लाई गई हैं, जो पूरे देश के लिए होगा उनके लिए भी होगा। थैंक यू सर। चलो।